Thank you.
कहने बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा एक वजह तारी हो गया बुल्ले शाह का कलाम सुन के। डॉक्टर साहब कैसा लग गया? माशाल्लाह, मेरे ख्याल है कि ये जरा कलाम सुने इस तू बाद गलबात की गुंजाइश नहीं रही, और जितनी एनर्जी नाल सकीना ने अज गाया मैं बड़े चिर तू बाद सुन रही हूँ, और मैं इन्हें एक बड़ा बड़ा एक खूबसूरत रंग नजर आया, एक नवा वलवला, एक नवी उमंग नजर आई है। और मैं बड़ी दुआ करनी हूँ सकीना लिए, क्योंकि जेडे लोग सूफिया गाँवते ने एक नेकी का खैर का काम करते हैं। साढ़े बहुत सारे लोग जड़े कि कलाम नहीं पढ़ सकते, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे या पंजाबी जबान नहीं पढ़ सकते, वह भी इन्हों की गायकी सुन के खैर वाल आते हैं, बाबिया वाल आते हैं, तो बड़ी मुबारकबाद तुहानू और सलामत रहो जी। अज का जो सा प्रोग्राम है बाबा बुल्ले शाह उर्स के हवाले नाल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंगुएज आर्ट एंड कल्चर पिलाग लोक स्टूडियो वालों पेश किया जा रहा है, और डायरेक्टर डॉक्टर सुखराज सदम डायरेक्टर जनरल बैठे ने, और खास तौर पर इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया कि बुल्ले शाह का कलाम जरा सुनिया जाए और लोगों तक साढ़े पेज तो भी लोग इस वेल सुन रहे हैं, और उन्होंने तक असी एक्सैस दी है कि सुन और इंजॉय कर साढ़े लोग स्टूडियो चो। डॉक्टर साहब अगली काफ़ी है बुल्ले शाह की बुलिया की जाना मैं कौन, ये जी क्यूरियोसिटी है तजस्सुस है अपनी तलाश की, इस हवाले दो चार गल्लां सांझिया करो फिर असी कलाम सुनोंगे तहसीन सकीना होर। बहुत शुक्रिया, पहले तो तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया कुमार चो निकल रही है, उदे शहर चो निकल रही है। तो बाबा बुल्ले शाह जिस तरह अं सारे जानते हैं कि वह एक ऐसे सूफी शायर ने जेडे बहुत बड़े फलसफादान भी ने, और सूफिया की जो तुम गल करने बाकी सूफी शायर की तो हलीमी की रवादारी की जात की नफी की गल की जाती है, और बाबा बुल्ले शाह ने भी यह सारिया गल्लां कीतियां जाहिरी और बातनी, उन्होंने तालीम हासिल की शरीयत तरीकत दाई तो माई क्या वह सारे राह ते टुरे, लेकिन आखिर जड़ा उन्होंने फिर उकदा खुलिया बुक्कल दे चोर दा, उदों फिर पता चलिया कि पूरी दुनिया एक ही अस्थी का परतो है, एक दा जलवा हर शहर च, हर हर बंदे च, हर चेहरे च, और मजहबां दे हवाले नाल किसी का मेहरदास ना हो सकता है, किसी का फतेह मोहम्मद हो सकता है, लेकिन रूह ते रब दी रूह है, और उहदे च फिर जो बंदा रब नाल मुहब्बत करता है, जिहड़ा असीं पहले सुनाया कलाम कि वह कहिंदे ने कि इबादत विच इश्क दा रंग होना चाहिए, अगर इश्क दा रंग नहीं तो फिर वो इबादत जी बिल्कुल शायद रब तिकर नहीं अपना सकती। और जाहिर प्रस्तान दे इसे लिए बड़े खिलाफ भी रहे, निंदिया भी करते रहे कि उन्होंने रब नाल भी जी गलबात करते सन उहदे च भी अपने आप नूं अपन जी मुसीबतां ने आरजुआं ने या मुफादात लैके बैठे रहते सन। असीं हुण की जाना मैं कौन की गल करिए, बड़ी यह बड़ा ऐसा कलाम है कि शायद कई मजमून लिखे जा सकते हैं, घंटिया गल की जा सकती है कि वह जो नतीजा है खकान साहब जिस तरह कहा कि तशकीक का पैदा होना, क्योंकि असी तसव्वुफ से गल कर रहे हैं ना कि अखा बंद करके मुर्शिद के पिछे टुरना, और फिर वह जात की नफी कि तशकीक क्यों की जाना मैं कौन। हूँ बाबा बुल्ले शाह पूरी तारीख जी इंसान की है उदी गल करते हैं, उदे फिरौन भी है, मूसा भी है, उदे यानी खैर भी है, शर भी है, हर तरह तो वह कहते हैं कि मैं अपना किस तरह मैं क्यों, मेरी हस्ती की है, क्या मैं रब की जात का हिस्सा हाँ, अगर मैं रब की जात का हिस्सा हाँ तो मैं कितने हाँ, मेरा इख्तियार कितना है, क्योंकि मेरा इख्तियार तो यह भी नहीं कि मैं अपना नाम ही नहीं रखा, ना मैं अपना नाम दराया, ठीक है, ना मैं आदम हवा जाया, तो फिर मेरा इख्तियार कितना है और मैं कितने खलोता है, और फिर उतो जरा सारा रस्ता मेरे हाल कि बहुत सारे सवाल जड़े कि बड़ी देर तू इंसानियत के बूहे खलोते सन वो बाबा बुल्ले शाह ने सवाल किते और लोगों नू उस पासे लैके आए कि इस जग की हकीकत एक है, उहदे तों इलावा कुछ नहीं, वाद तुर वजूद का फलसफा, और इहदे ते असीं गल मजीद करांगे। इस वेले मेरे हाल खान साहब असीं कलाम सुनिए, सारे मित्रों को दसते चलिए कि नाल नाल गलबात भी रहेगी बाबा बुल्ले शाह के कलाम के हवाले नाल भी,
और साढ़े को इस वे जो कलाम है जिसे हूँ डॉक्टर सुखराज सदापुरा ने गल की कि बोलिया की जाना मैं कौन यही असं तहसीन सकीना उन्होंने को सुनने जनाब तहसीन सकीना
बहुत खूबसूरत बुलिया की जाना मैं कौन, खूबसूरत काफी और बड़ी सोहनी अंग नाल गाई है और अपना एक नवी तर्ज नाल सुनाई सानू काफी और असी इनू बहुत सारिया अंदाज सुनिया, अज एक नवे अंदाज नाल सुनिया, बड़ा अच्छा लगा। और बुले शाह कहिंदा अल फल्ला रत्ता दिल मेरा मैनू पे दी खबर नकाई बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे लज्जत अलफ दी आई ऐन गैन दा फर्क ना जाना एकल अलफ समझाई भुलिया कौल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई। भुला हुण तय दर तय जेड़ा ना अपनियां अलामतां नाल खेड़दा पिया है, रमज़ां खोलदा पिया है और किधरे रमज़ां दे उत्ते जेड़ा ओला है उहनूं वी ओले चों हटाउण दी वी गल करदा। अगली काफी चेंज दी ही गल आएगी, घूंघट ओले ना लुक सजना, ये भी बुले दी एक है वे कि बुला जिथे कहने मैं कौन हाँ तो उत्थे भी कह रहा है कि मैं दीदार मुश्ताक हाँ घूंघट ओले ना लुक, तो इस बारे सानू कुछ डॉक्टर साहब समझ पाओ साढ़े नाल। बहुत शुक्रिया फकान साहब, इबन अरबी दे बाद तुर वजूद दे फलसफे नू जे तुसीं पढ़ने आ तुहाडे चों कहिंदे ने कि इंसान दी जिहड़ी तड़प है वह इस लई हुंदी है कि खुदा अपना मुकम्मल इजहार तो नहीं करता ना, क्योंकि असीं देखने आ कि कायनात दे नज़ारियां च इंसान दी शक्ल च सानू दी झलक महसूस हुंदी है और जदों असीं झलक देखने आ तो फिर इंसान दी रूह इंसान पूरा दीदार करना चाहता है और वह फिर जिहड़ी तड़प है उहनू सूफिया ने महसूस की और जिहड़ा वी रब नू लभेगा उस राह ते टुरेगा वह इस तड़प नू महसूस करेगा। वह फिर एक ते बुले शाह दी शायरी दा तुसीं ये भी कमाल तको कि जमाल तको कि अंदाज किस तरह गल कीता है कि तुहानू एक मिजाजी हिलावत का एहसास होंदा है, मिजाजी मिठास खूबसूरती जिस तरह औरत मर्द इश्क की गल हो रही है इस तरह रब नाल गूढ़ियां गल्लां कीतियां जा रही ने। और तुसीं इलामतां की गल की जिस तरह वोटी नू रूह कहना और फिर घूंघट कहना रब दे हवाले नाल कि तू नज़र भी आना लेकिन पूरा मैनू नज़री नहीं आता और जो तेरे अलावा कोई शह ही नहीं, वादू तुर वजूद का फलसफा जरा एक अस्थी दे तुसीं हुण जरा अपने कलाम च भी दस्या कि एक ही तू है अव्वल जाहिर तू ही है तो फिर ये जरा कोई खेड जी है ये जरा ओला जहा जरा परदा जहा है ये क्यों तो मेरे ख्याल है कि खूबसूरती है बाबा बुले शाह कलाम की कि उन्होंने तुम जिस हवाले नाल भी पढ़ो सुनो और समझो तो थोड़े तो नवियाँ रमज़ा खोलता है। तो हकान साहब तहसीन सकीना दे हवाले नाल फिर मैं गल करा कि नाँ विच तहसीन है और तहसीन का मतलब है तारीफ करना और रब ने इनू तहसीन बनाया कि जिदी तारीफ की जाए और इनू वो हुनर दिता। तो मैं अज इहदे चों कमाल देख रही हाँ कि ये जड़ा अज जिस तरह इन्हें सरशारी नाल रचा के कलाम गाया ना और मैनू इनू लगता है कि मैनू इस सूफिया की दुआ लग गई और बरकत दी आवाज़ च आ गई इहदी गायकी च आ गई। अल्लाह ऐसे तरह कायम रखे। तो बिल्कुल ठीक फरमाया डॉक्टर साहबा और यही जड़िया फीलिंग्स ने मेरिया भी हैं कि किसी बुजुर्ग की नज़र हो गई क्योंकि सूफिया दे लड़ लग गई और किसी बुजुर्ग की इन्हों पर नज़र हो गई, वो फील सानू इन्हों चो नज़र आ रही अज और उस सरशारी नाल मस्ती नाल गा रही ने और वो इन्हों के अंदर जो वजद और धमाल इन्हों के अंदर जी बाहर दिसती पई है। हाँ वो कितने नज़र हो फिर ही होंगे वो कहते हैं करमा वजन जोड़ कोई नहीं भावें सिरा के लाला की पंड हो साइया का करम हो जाए जिस वे तो घूंघट ओले ना लुक सजना मैं मुश्ताक दीदार दी हाँ जी। तहसीन सकीना पिलाक लोक स्टूडियो चो ताड़े नाल मैं मुश्ताक
ਚੋਲੇ ਨਾ ਲੁਕ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਜੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਘੁੰਗਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਓਹਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਆਈ ਸੂਰ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਨ ਸਕੀਨਾ ਬਹੁਤ ਘੁੰਗਟ ਓਲੇ ਨਾ ਲੁਕ ਸਜਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਔਰ ਖਗਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘੁੰਗਟ ਅਮੂਮਨ ਔਰਤ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਕਾ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁੰਗਟ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਨਿਸ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲਿਫ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਰਿਆਜ਼ੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਨੁਕਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਨਸਲਾਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਅਮਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆਤਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਤਹਿਸੀਨ ਸਕੀਨਾ ਔਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ
हट होवे हर नुक्ता छोड़ी नुक्ते विच गल मुकदी बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सोहने अंदाज नाल तुसी डॉक्टर साहब कहंदियां ने गल ही मुका दित्ती ते मैं समझनी आ के डॉक्टर साहब पहले वो इंसान ने जिन्होंने मेरी पहचान करवान दे विच बहुत साथ दिता बिल्कुल सही क्योंकि मैं उस वक्त गुजरांवाला तो आई सां और पहला ही प्रोग्राम सी मैं बड़े शोज दे विच और बहुत ज्यादा इंटरव्यूज लोगों दस बैठी कि मैं आई और मेरी परफॉर्म आई तो मैं स्टेज तो नीचे चली गई लेकिन डॉक्टर साहब ने हाथ फड़ के तो फिर मैंने स्टेज पर लेके आए तो उन्होंने कहा कि मैं इन आने वाली आपदा परवीन देख रही हूँ और ऐसा वो लखन मिलिया कि मैं समझनी हाँ कि एजाज़ मेरे वास्ते उस वक्त बहुत वड्डा जिन्ना वड्डा ट्रस्ट और जिनी वड्डी खातून सन उन्हों का लकब देना बहुत बड़ी गल सी अपनी बेटी समझनी तेन लेकिन एज ए रस्म जी थोड़ा सा रहा है मां बलाद बेहतर हो गए इंशाल्लाह तुसी आओ बिल्कुल सही लेकिन वैसे मेरी फोन ते गल बात बिल्कुल असी दसते चलिए मित्रा बिलाक दे प्लेटफॉर्म तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर चो जिस वेले पहली दफ़ा तहसीन सकीना इत्थे आईयां ने और डॉक्टर सुगरा सदाफुरा ने इन्हां नूं स्टेज ते बुलाया बुला के ते इन्हां दी हौसला अफजाई की और कहा कि तुहाडे अंदरों मैनूं आपदा परवीन जी की खुशबू आती है और तुसीं आओ और इंशाला उही गल हुई कि एक वक्त आया तो अज सारे असीं इन्हां नूं सुन रहे हाँ डॉक्टर साहब कल इश्क ते आ गई है ते इश्क बुले नाल लड़दा ही यह काफ़ी सुनने हैं लेकिन गल इश्क दी है ते तुहाडा चूंकि टॉपिक है इश्क दे हवाले नाल विजदान दे हवाले नाल सूफीजम दे हवाले नाल तुसी इश्क ते बहुत लिखा है और जड़ा इश्क हकीकी है खास तौर पर जदों इश्क दी गल होवे ते हुंदी इश्क हकीकी दे हवाले नाल इस हवाले नाल थोड़ी जी गल साडे नाल सांझी करो बहुत शुक्रिया खाकान साहब सकीना जिस राउंड गल कर रहे सी तहसीन सकीना के रब ने कुछ लोगों नू बना के भेजा हुंदा खास उन्हां नू सलाहियत दित्ती हुंदी है ते तुसी देखो कि जदों गुजरांवाले तों आए सन ते उन्होंने इन्होंने वह मुकाबला जितया सी ते जाहिर है कोई वह मुकाबला जदों हुंदा है ते उहदे च बड़े लोग पूरे पंजाब चों आए हुंदे ने और उस विच पहले नंबर ते आना बल्कि दूजे तीजे ते भी आना बड़ी वड्डी गल हुंदी है ते साडे वास्ते बड़ी हैरानी दी गल सी कि एक लड़की उस वेले ते लड़की सी हुण भी लड़की है ते इतना सोहना गा रही सी और इतना पक्का और इतना खूबसूरत ते अज ते मैनूं उहनां दा अंदाज देख के ते दुआवां ही निकल रहियां ने बहुत ज़्यादा इश्क दी गल करने आ ते असीं आम इंसान और सूफी विच जिहड़ा फर्क देखने आ उह ही है कि हर बंदा ही रब नूं रब की इबादत करता है रब नाल मुहब्बत करता है क्योंकि साड़ी सृष्ट विच रब नाल मुहब्बत रखी गई असी भावें उहदा इकरार करिए भावें ना करिए पर असी मुहब्बत करने आ लेकिन असी शायद उन्हों इबादत का रंग देने आ या नफे सवाब जन्नत दोजख वल टुर जाने आ नरीना औलाद चीज़ा दुनिया दौलत लम्मी उम्र सेहत सूफी का यह सारा मसला ही नहीं है उदा मसला मुहब्बत है इश्क है वो धुप्पे बैठा है तां भी इश्क कर रहा है छावें बैठा है तां भी बदल च बैठा है तां भी शुक्र कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उदी जुड़त बनी रहे रब नाल और मौलाना रूम तो कहते हैं कि दुनिया कशे सकल नाल नहीं टुरदी पई
ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਵੈਸੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਲੂਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਜਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਭਣਾ। ਅਤੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਰਸ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਮਾਲ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਖੁਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਕੋਈ
ही खूबसूरत और बहुत ही सपुरदगी दे नाल जिवें किसी वड्डी रूह दे सपुरद बंदा अपने आप नूं कर दिंदा इस तरह गाया तहसीन ने और तहसीन सकीना ने बहुत ही मैडम इंप्रूव किया जिस तरह अज इंज लगन डे कि बड़ा भरपूर रियाजत नज़र आ रही है ते काफी होर भी है को इश्क नमाज जो लेती है आखर ते नु कर मैं अगर ते एक शेर तमाल दा सुना दी क्योंकि बाबूले शाह दा रस्मी है और खुशी दा वेला है एक शेर उन्होंने तमाल दा सुनावांगे जी जी
ਦਮਾਦਮ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਦਮ ਬੰਦੇ ਕੰਦਰ ਹਸੈਨੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਕਲੰਦਰ ਮਹਾ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤੂ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ कहने बहुत ही अच्छे कमाल और तमाल के ऐसी जिवेच नौबत भी सुनी कहते नौबत दा चम मेरी खल बोल डगे दा मेरी ताल दम दम नाल तमाल साइया दम दम नाल तमाल। तहसीन सकीना ने बहुत खूबसूरत गाया इत प्रोग्राम च और डॉक्टर साहब तुसी आखिर ते कुछ शुक्रिया तहसीन जरा तुसी अपने साथियों का तारीफ करवाओ ना ਕਿ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਦੀ ਇਹ ਢੋਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਢੋਲਕ ਪਲੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਅੰਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਕ ਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਔਰ ਰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਬਾਈ ਨੇ ਐ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਗੱਲ ਤਬਲੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਸੀਮ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਵਸੀਮ ਜੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੱਬਾ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਬਾ ਹਮੀਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਔਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।